दादी। दादी जरा ध्यान दे, चले गया, हाथ पैर टूट गए ना तो काम खराब हो जाएगा सारा। ओए बैठा सा तू, हैं? तेरे माथे में आंख ना दिया भगवान ने, तेरे दादी की तो दिख रही हूँ मैं, हैं? तेरे फोन पे एक तमाचा मारूंगा ना तेरी आंख खुल जाएगी, ये भी तो मैं जवान सू। अम्बे वो ठीक से दादी, चलते हो। एक मिनट, आपसे तो अच्छी ना करीना ही है, कम से कम मेरा थोड़ा दुख दर्द तो बांट लेती थी। वो भी चली गई, और गई तो गई, माले से मिलके भी नहीं गई। करीना गई कहाँ? गई क्यों? गई और बताया भी नहीं, वापस कब आएगी? जी जी, आप अपने सवालों की ट्रेन क्यों बना रहे हो? बताती सू, वो करीना मेले से ही चली गई, और अब तो मेरे को लगता है कि वापस भी ना आएगी। तेजी जी, आप बड़े दुखी हो गए करीना के जाने से, सब ठीक से है ना? प्रज्ञा जी, दुखी तो मैं आपके लिए हो रहा हूँ। वो क्या है ना कि आपकी एक ही तो बहन थी जिससे आप अपने दुख दर्द शेयर किया करती थी, और अब वो भी चली गई, और ऊपर से मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा हूँ। सबसे घटिया इंसान हूं मैं भाई। कौन से तू? और मारे घर में खुले सांड की ताई न्यू घूम रहा है? ओ ठेली वाला और पायल ने ढूंढ रहा होगा। इन बड़ों के घर वालों ने तो मारे घर को मेला बढ़ा दिया। जिसका भी मन करे मुंह उठा के चल दे सैर सपाटा करने के लिए। घर ना होगी सरा होगी मारी, इन कुछ बकेगा भी कौन से तू? जी वो आ, तेरी दादी आई। प्रीतम सिंह। देख भाई, वैसे बहुत लेट हो गया, ये पड़े कपड़े 2 घंटे में दे दियो। तो यो 20 घंटे में नहाने वाला। क्या बोला जी? वो आ जाएगा जी, 2 घंटे में आ जाएगा भाई साहब। अरे ओ प्रीतम सिंह, क्या बात है भाई, उठाया नहीं जा रहा जी? वो वजनदार बहुत है जी, के करूं? दिखने में तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा लग गया भाई, खाना नहीं खा के आया क्या आज? अरे माँ, आप आओ, मैं आपको पूरे मेले में ढूंढ ढूंढ के थक गई। अरे छोरी, इब मेले में मारा के काम? हाँ, वो तो बच्चे और थारे जैसे जवान छोरों छोरियों का काम से। माँ, आप कमला ताई जी की बात भी और सीता गीता की बातों से उदास हो के? सच बताओ मन्ने। ना चल, तो फिर वही बात लेकर बैठ के। ठीक से छोड़ो, मैं आपके लिए एक चीज लाई सू, देखना चाहोगे? के? अरे छोरी, इसकी क्या जरूरत थी? मन्ने पता से आप खुद के लिए कभी कुछ ना खरीदते, इसलिए मन्ने सोचा कि मेरा तो फर्ज बनता से। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ भाई। वो सारा सामान से नया फ्रिज से ये वाटर फिल्टर दोनों बढ़िया कंपनी के हैं, बिल्कुल नए हैं, समझ गए? देख लो बढ़िया तरीके से। हाँ भाई, दो लोग हमारे साथ आ जाओ। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। ये टीवी भी देख ले, बिल्कुल नया से, सारा सामान बिल्कुल नया, टिप टॉप कंपनी का, देख ले कितने लगाएगा। सुनी लग रही थी तू, बिल्कुल अपने बापू जैसी। ओहो मत चुप रहो, कहीं भी शुरू हो जाती हो।
जो मैं कर रही हूँ चुपचाप देखो उसने। जल्दी करो जल्दी। भाई तो ऐसे लग रहा जैसे फिर से लंगूर लटका से। मन ने तो समझ ना आ रहा, अंग्रेजी तो मन ने आती नहीं, यू नाटक के पल्ले पड़ेगा। यो बता मन ने, घर पे बैठ के मद्रासी फिल्में भी तो देख के से, उसमें तन्ने के समझ में आवे पर खूब मजे से देखे ना, उससे बढ़िया तो यो देख ले। अरे भैया वो तो फिल्म है से, आवाज बंद कर दो तो नाच गाना मारपीट सब बिना देखे ही समझ आ जावे है कि नहीं है। ये इप इसी उम्मीद में बैठ कि नाटक में भी यही होगा, नहीं तो मन ने अपनी नींद पूरी करनी होगी पैर फैला के। इस पर अज्ञान है, पता नहीं के भूत चढ़ा है हीरोइन बनने का। इस नाटक में चलते चलते कोई ऊंच नीच होगी तो सारे गांव वाले मिलकर इनकी अंग्रेजी झाड़ देंगे। बता भाभी, हमारे बच्चे हैं पूरे संस्कारी हैं, कुछ ना होगा, ये तो बस अंग्रेजी सीख रहे हैं, नाटक है भाभी। बाबूजी ये भी नाटक नौटंकी मारी को समझ में आवे ना, आप नू बताओ यहाँ हमें के वास्ते लाए, के हाँ गई रादा था। मुझे बता कि तू क्यों परेशान हो वैसे, दादा तावड़ापन ना दिखा, बस तू देखता जा नाटक के अंत में कैसा धमाका होवेगा। अरे चलो चलो चलो, घंटी बज गई, पहली घंटी बज गई, तुम क्या रो ना सारे के सारे। जलेबी जी जी, जो भी जी है ना, आपसे मारे को बात करनी सर। पर भाई एक तो तुम मेरा नाम भूल गई हो, ऊपर से बहुत टेंशन है मुझे, ठीक है मेरे पास बिल्कुल भी बात करने का टाइम नहीं है। ओ भाई तू जल्दी पर मेरी बात तो सुनो। क्या मैं मुझे नहीं सुननी या तू हो जा तैयार यार। क्रेजी जी, मारे से ये सब ना हो पाएगा। ठीक है मत करो हैं। क्या जी 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 तेजी जी, मारे से ना ये सब ना हो पाएगा, मारे को बहुत चक्कर आ रहा है, मैं भी ऐसे गिर जाऊंगी। देखा ना मैं ऐसे गिर जाऊंगी वहां स्टेज पे, मारे से ना नाटक की एक भी शब्द ना निकल रहा, मारे मुंह से देख रहे हो अंग्रेजी तो बहुत दूर से तेजी जी, मारे मुंह से तो हिंदी के शब्द ऐसे लड़खड़ा के निकल रहे हैं। भरपाई अपना आखिरी मोमेंट पे बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। अरे जे रोमियो भाई तो छिछोरो से देखो कैसे ताड़े पड़े टुकुर टुकुर। नाटक से माय डियर फ्रेंड, इज दैट हैंडसम गाय जूलियट अपने मित्र से प्रिय से हेली, वो घना खूबसूरत छोरा कौन से? लकी जी और कौन? मैडम इज रोमियो फ्रॉम द एनिमी विलेज। सेनापति कह रहे हैं जूलियट से यो तो रोमियो से दुश्मन गांव से। मार साले को, मारी छोरियों पे बुरी नजर डाले से। मारो 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 इसको मारो। नाटक से? अच्छा नाटक से बच गया यो। अरे दलजीत सिंह जी, वो ये जो नाटक हो रहा है ना, इसका आनंद लो, उत्तेजित होने की कोई जरूरत ना है।
बाबूजी, कहाँ है थारा हथियार? वो आ गया है छोरे, किसी भी टाइम धमाकेदार एंट्री कर देगा। आ गया से? कौन आ गया से? किसकी बात कर रहे था? देखता जा बेटा, देखता जा। ये देखो पीछे भी एक नाटक चलो से, ये बड़ा वाला पेड़ धीरे 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 ये झाड़ की तरफ जा रहा है। ये तो घना ही कमाल हो गया से, इतनी अच्छी एक्टिंग करे से मारे बालक। मैं शरद दर के कह सकूं सब ने, इतना अच्छा पेड़ नहीं देखा होगा आज तक। सच्ची भाभी कदे ना देखे ऐसा पेड़। रोमियो, रोमियो, where are you? जूलियट अपने रोमियो से बहुत प्यार से पूछते हुए, रोमियो और रोमियो कहाँ है तू? ओ जूलियट, ओ जूलियट, I am here for you. छोड़ मारे गांव की छोरी का हाथ। Don't worry, Juliet. I'll come for you. We'll run away and live happily. Romeo, Juliet से कह रहे हैं? मन ने कल यही मिलियो। भाग जावेंगे और फिर चैन से जिंदगी बितावेंगे। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? ये क्या नाटक है? अरे ये तो हमारे छोरे छोरियां ने घर से भगाने की सीख देख रहा है। अरे बंद कर इस नाटक को। सच में लड़ रहा सी, ये भोलेनाथ मैं के मैंने क्या कर दर्द हो रही है? इतनी प्रैक्टिस तो इन्होंने और रिहर्सल में भी नहीं की थी, जो क्यों मर रहा है? ये बर्तन मारे भाई को सच में तो ना मार देगा? रुको, ये लोग सच में लड़ रहे थे, आप इनको रोको ना। भाभी कहीं सच्ची में तो ना लग गई उसको? उठ ही ना रहा है वो तो। रोमियो वेक अप। अब ना उठने वाला ये रोमियो, इसे तो अच्छे से बिछा दिया वरदान ने। अरे भाई अब नाटक में और दिखाओ क्या है। हाँ टाइम मत खराब करो हमारा। क्यों कैसा अंत हुआ भाई? अरे ये क्या हुआ, बीच नाटक में हीरो मार डाला, अब नाटक पूरा कैसे हो बेगा? मारो चले, मारो चले। अरे इससे तो अच्छा था रामलीला करा लेते, अब सीता को बचाने कम से कम राम आ जाते, और अगर राम नहीं आते तो बजरंग बली तो आ ही जाते। ये लोग बकवास कर रहे हैं, इन्हें मारो। बापू जी किंग है थारा वो जान देवा हथियार, आया ना अब तक? बेटा ठंड रख, वो किसी भी टाइम आ जाएगा। सीते हम आ तो गए। आ गए आप, मन्ने इस अशोक वाटिका से बचा लीजिए। अवश्य सीते। के कर रही है, इससे एक्टिंग ना आती मन्ने। अभी क्या राम जी, अभी तो रावण से भी लड़ना से, उसका वध भी करना से। रावण क्या से? रावण
रावण किधर है? मैं हूं रावण। रावण, सीता को छोड़ दे वरना तेरा मैं अभी वध कर दूंगा। सुना, लास्ट चांस है आपके पास, मन्ने छोड़ दो नहीं तो वध कर देंगे। तू चाहे कुछ भी कर ले, अब ये सीता को मैं ले जाने ना दूंगा। सीता को तुम अपने संग लेके जाऊंगा। अरे उठो उठो उठो, अरे चलो चलो भागो, यहाँ कभी भी झगड़ा हो सकता है, चलो। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो तूने हमारे परिवार के बीच में आने की सोची। मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरी सोचने समझने की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। हां बाबूजी, राणा भाई बिल्कुल सही बोल रहे। अब तो फैसला ना जोर से ही होगा, ताकत से ही होगा। शुरू उसने किया है लेकिन खत्म हम करेंगे। बावले हो गए हो तुम लोग प्रतिशोध की आग में। मैं कहता हूं शांत हो जाओ, भगवान के लिए शांत हो जाओ। रघुवीर सिंह, चुनौती तो अब दी जा चुकी है, ये मौत का दंगल तो अब होकर रहेगा। बजरंग बली की कसम खा के कहता हूँ जालिम सिंह, मारे अखाड़े की मिट्टी का रंग ना थारे खून से ही बदलूंगा। जालिम सिंह, ये तेरी जिंदगी की आखिरी सांस होगी। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ना हमारे अखाड़े में लेगा, समझा तू? देखते किसके खून से थारे अखाड़े की मिट्टी का रंग बदलेगा और कौन आखिरी सांस लेगा, वो तो कल अखाड़े में ही पता चलेगा। तो फिर तय हुआ कि कल सवेरे अलावट अखाड़े में मौत की कुश्ती होगी। प्रधान सिंह जी, अरे रघुवीर जी, ये आप लोगों की दोनों की आपसरी की खानदानी लड़ाई है, लेकिन मैं गांव के सुख के लिए ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कोई भी आदमी ये दंगल देखने नहीं जाएगा। आप सोचो, जरा अगर ये बात गांव तक चली गई तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये तम दोनों की निजी लड़ाई है, गांव वालों तक तुम्हारे बदले की आग ना पहुंचे, यही सही है बस। और वैसे भी हमें इनकी नहीं इसकी जरूरत है। और कल का दंगल ना मौत का दंगल होगा। भोलेनाथ, राणा भैया की रक्षा करना। चलो कल सुबह। राणा जी सुनिए ना। पिंकी जी, आप इस मामले में अगर बीच में ना पड़े तो ही ज्यादा अच्छा है। पर राणा जी मैं। और क्या पिंकी जी, मैं जानता हूँ आप क्या कहोगे, यही कहोगे कि मैं कल कुश्ती ना लड़ूं और यूं घर में कायरों की तरह घुस के बैठा रहूं। ना ना राणा जी, कायर ना, मैं तो बस यूं। मैं तो क्या पिंकी जी, अब जो होना है ना वो तो होके ही रहेगा, उसे कोई ना टाल सके। भाई अरे क्या हुआ? आप हमारी वजह से अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, देख तू ना हमारी सबसे प्यारी बहन है, हमारी तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले तो हम उसकी गर्दन निकाल के पटक दे। हेलो हाँ भाई, कैसे मरना चाहेगा तू? हैं? पेड़ से लटक के या फिर जिंदा जल के? कौन बोल रहा है बे?
क्या बकवास कर रहा है? बे मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं कौन हूँ? सब पता चल जाएगा तने। बस तू एक काम कर, मारे से आके मिलता हूँ। अबे अपना नाम बता, कौन बोल रहे? हिम्मत नहीं है क्या? बेटा छोरियां घुमाने का बड़ा शौक है ना तने। बकरिया वाल में गया था ना लेके उसे, कैलाश की छोरी को। मेले में घुमा रहा था, मौज मस्ती कर रहा था बेटा। एक एक फोटो है हमारे पास थारे कारनामों की, समझा? तो ये एक काम कर बेटा, तू मिलने आ जा हमारे से फटाफट। ये देखो क्या से क्या हो गया। भाभी मैं तो कहती हूँ अभी भी समय, अगर आप राणा से बात करोगी ना तो देखना राणा जरूर मान जाएगा। ए मालती, मेरे राणा ने जो कराया है ना बिल्कुल ठीक कराया है। मने कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा राणा अपनी जान तक भी हाथ धो बैठा था। भाभी क्यों कैसी बात कर दी आपने? इसी जान का क्या फायदा जिसकी कोई इज्जत ही ना हो। अगर कल ने मेरा छोरा और मेरी छोरी की इज्जत पे हाथ डालने वाले हमारे दुश्मन जालिम सिंह को मार ना सका तो मैं और मेरा छोरा जिंदगी भर शर्मिंदगी उठाते रहेंगे। ए हारने से अच्छा तो है वो शहीद हो जा जी मने गर्व से। भाई साहब आप, कमला जो कह रही है ठीक कह रही है, तुम्हारी तो छोरी की इज्जत को सवाल से है। तुम ठीक तो ना प्रज्ञा जी? मारे को लगे कि यो सब हमारी गलती से, ना आप मारे को बंबई ले जाने के सपने दिखाते, ना मैं आपके साथ वो फोटो शूट के लिए बगबियाबाल जाती। हाँ वो जालिम सिंह, यो सब कहानी शुरू ना होती। आज मारी वजह से राणा भाई की जान खतरे में। मारे को लगे कि ना मैं जाके सबको सच सच बता देती हूँ। नहीं 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 प्रज्ञा जी, आप बिल्कुल भी घर वालों को कुछ मत बता देना। अगर आपने घर वालों को कुछ बताया तो घर वाले हम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। और आप बिल्कुल भी डरो मत, राणा भाई को कुछ नहीं होगा। जालिम सिंह होगा कोई चैंपियन वैम्पियन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और राणा भाई पे तो गुरु जी का आशीर्वाद भी है, तो गुरु जी उनको कुछ नहीं होने देंगे। पर अगर उनको कुछ हो गया तो कोई तो तरीका होगा ना। आपने वो जो नमूना पकड़ा है तेजी, वो अपना काम तो करेगा कि नहीं? काम तो उसका बाप भी करेगा, बस कल सुबह की देरी से। कल तो उस राणा को उसके परिवार के सामने ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा ना कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। जालिम सिंह, मैंने जो चाल चली है उससे तेरी जीत और उस राणा की मौत शत प्रतिशत है। Cheers. वैसे तो हमारी ज्यादा बात होती ना, लेकिन आज आपके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ना सर। कल हमारे परिवार के लिए बहुत खास दिन से भगवान, हमारे राणा भाई अपनी इज्जत के लिए लड़ने जा रहे थे। इस भगवान का साथ देना, क्योंकि उनको अगर कुछ हो गया ना मैं जी ना पाऊंगा। आपको पता ना कि वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जान है। प्लीज उनका साथ देना भगवान। उनके अलावा हमारे परिवार का क्या होगा, वो कैसे खुद को संभालेगा, मने कुछ ना पड़े। पर आपसे विनती है कि आप उनके हर कदम पे साथ देना। कल उनकी लड़ाई अपने लिए नहीं लेकिन इंसाफ के लिए। हेलो, अब कहाँ पे हो आप? मैं आपको यहाँ पे जगाने आया था। तेजी जी मैं वो मंदिर के लिए निकल गई। अच्छा, अब मुझे बताओ कहाँ पे हो आप अभी? मैं मंदिर के रास्ते में हूँ, वो पार्क वाली जगह पे। अच्छा अच्छा, वहाँ पे सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक से, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हमारे से? नहीं बस प्रज्ञा जी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी
इसलिए फोन कर लिया। कौन? अरे छोड़ो बच्चे, बचाओ! कौन है? हेलो प्रज्ञा जी। कौन है? छोड़ो! अरे बचाने दो ना, मुझे जाने दो, छोड़ो। दीपक, जितेश। जीता हूँ जी। एक बात के ध्यान रखना छोड़ो। गांव में किसी भी आदमी को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। आज यहाँ पे दंगल है। हर चौराहे पे अपने आदमी खड़े कर दो। कोई भी भूले भटके इधर ना पाए। राव जी, आप इस बात की चिंता मत करिए। हमने इस चीज का बंदोबस्त पहले कर रखा है। फिर भी एक बार नजर जरूर डालेंगे आज। जाओ। भाई, इस जालिम सिंह की हंसी मार से देखी ना जाए। इसकी हंसी ना इसकी जिंदगी की आखिरी हंसी बना दो। क्यों, मरने के लिए तैयार हो गया तू? राणा सिंह अलावत,